तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऑर्डर पर रैलियाँ हो रही हैं बशमूल कश्मीर। अमीर मोहतरम कश्मीर की रैली में शामिल हैं और उनकी सरपरस्ती में पूरे मुल्क में गैयूर मुसलमान सड़कों पर बाहर निकल के अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमदर्दी के इजहार के लिए हाजिर हैं। मैं ऐसे नाजुक मौके पे मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को इस शर्त पर हालात बताना चाहता हूँ कि वो मुझे वादा माफ गवाह रख लें। साढ़े पिंड कतल होया सी, लभदा नहीं सी। बंदे ने कहा जनाब मैं सारी दास्तान सुनाना लेकिन मैनू ये तहफ़ मिले, मेरे वादा माफ गवाह रख लो कि मैंने सजा नहीं होगी। इस शर्त फिर उन्हें सारी दास्तान सुना दी और असल मुद्दम पकड़े गए। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान को असल मुजरम पकड़वाना चाहता हूँ। लियाकत अली खान से लेकर आज तक जितने मुजरम उनके पाकिस्तान में हैं वो तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ और आपसे यह मुतालबा करता हूँ कि ऐसे मुजरम जो लियाकत अली खान को मरवा दें, ऐसे मुजरम जो आधा पाकिस्तान लुटवा दें, ऐसे मुजरम जो 90,000 फौज गिरफ्तार करवा दें, ऐसा मौलिया कीता ना, ये तहरीक लद्दाख ने कीता है, यह सारा कुछ मौलिया ने कीता है। आधा पाकिस्तान दुश्मन के हवाले मौलियों ने किया है, तहरीक लद्दाख ने किया है। 60 रुपए में बेटी कलकत्ते के बाजार में बिक गई, नीलाम हो गई। जिन्होंने ये जुर्म किया है ये सारे मौलवी हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उद्दारान कारकुनान हैं। मैं सारे के सारे आपको पकड़वाना चाहता हूं, उनकी निशानदेही करता हूं। ये कौन कौन था जिसने 60 रुपए में बेटी नीलाम की कलकत्ते के बाजारों में, 90,000 फौज गिरफ्तार करवा दी और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। ये सारे के सारे मुजरिम मौलवी हज़रात हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग हैं। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले जिन मौलवियों ने किया, मैं वो सारे मुजरिम बेनकाब करके आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे बढ़ के फिर आसिया मलूना को रिहा करवाने वाले कितने मौलवी थे, सबके नाम आपको लिखवाना चाहता हूँ। फिर रेमंड डेविस को रिहा करने के लिए कौन कौन हमने से शामिल था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। किस किस ने कहा वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कदम बिठा कर न लाए, सिर्फ रेमंड डेविस को यहां से रिहा करके वहां पहुंचा दिया जाए। ये मुजरिम आपके हवाले करना चाहता हूं। असल लोग मुजरिम हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा आलमी कुफर के साथ किया, ऐसे लोगों यहां इस चौक में तख्तादार पर लटकाया जाए। मैं बताता हूँ, आप मुझसे वादा करें, वादा मुआफ गवाह मुझे बना दें। मैं सारे अफराद की तादाद बताता हूँ, उनके नाम भी बताता हूँ। असेंबली हॉल के सामने फैसल चौक में उनको तख्तादार पर, जब मुजरिम को तख्तादार पर लटकाया जाए तो फिर जुर्म की रफ्तार बढ़ती नहीं कम होती है, जुर्म फिर बढ़ता नहीं कम। अज कम जिन लोगों ने, जिन मौलवियों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया है, जिस कश्मीर की तस्वीरें देखकर बंदा अंदर से सावध नहीं रह सकता, जिस कश्मीर की रोती बेटियों की तस्वीरें देखकर बंदा अंदर से हिल जाता है, उन हालात की तस्वीर भी बंदा नहीं देख सकता। कम से कम उसके अंदर गैरत का मादा हो, ईमान का जर्रा हो, तो वो कश्मीर को जलता नहीं देख सकता, कश्मीर की लुटती इज्जतों को देख नहीं सकता। तो ऐसे मुजरिम जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया वो सारे के सारे मौलवी, सारे के सारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग मैं आपको बताना चाहता हूं और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूं कि ऐसे मुजरिमों को सरेआम फैसल चौक में असेंबली हॉल के सामने कम से कम तख्तादार पर लटका दिया जाए ताकि जुर्म आगे बढ़ न सके।
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार।